हेलो दोस्तों, मैं उमेश। आज यह वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक गैरेज में क्या क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, क्या क्या सामान रखते हैं, जो भी गाड़ियों में जो सामान लगते हैं या बनाते हैं उनमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये सब जानेंगे यह वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और देखिएगा कि कैसे काम किया जाता है गैरेज में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है। ये गाड़ी है, ये ख़राब हो गई है तो इसको बना रहे हैं भैया लोग, और इधर पुरानी गाड़ियाँ खड़ी है और ये गाड़ियाँ अभी बनने वाली है। ये जो दिख रही होगी ये पिकअप, और ये गाड़ी पुरानी है, ये बनी हुई नई बनी है यहाँ पर है। और ये गाड़ी का भी अभी काम चल रहा है अभी हाल ही में, आप देख सकते हैं। और गैरेज के अंदर आप आएंगे तो ये ऑयल के डब्बे, ये पुराने कुछ पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स पड़े हैं, और ये ड्रम है, इसमें जब ऑयल पलटी किया जाता है तो यहाँ इसमें ला के रख दिया जाता है। और कुछ बुश हो गया, और ये जो पुराने पुराने पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स तो फेंक दिए जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स को रख लिया जाता है जो कभी बाद में काम आ जाता है, इसलिए उनको सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि जब भी उसका उपयोग पड़े तो वो जो पार्ट्स हैं उनको लगा दें। फिर आगे बढ़कर हम दिखाते हैं, ये है इसमें रहता है टूल बॉक्स, ये देख सकते हैं मेरे से हर प्रकार के टूल बॉक्स रखे हुए हैं। ये नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन पोजीशन पर रखे हुए हैं, मतलब इसका एक स्टेप खंड बना हुआ है, इसमें सामान, इसमें टूल बॉक्स रखते हैं और ऊपर कुछ सामान रखे हुए हैं, और साथ ही साथ टूल बॉक्स, ये बड़ा सा दिख रहा होगा अलमारी, इसमें भी टूल बॉक्स हैं और कुछ सामान हैं पुराने पुराने। और यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स सामान के यहाँ पर भी रखे हुए हैं। और नीचे जो है ये जैक हो गया, कुछ कुर्सियाँ हैं देख, इसमें बैठते हैं, ये इसे बैठते हैं। और ये पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जब भी प्यास लगे तो पानी पी सके आदमी। और ये इधर आए तो दिख रहा होगा कि एक छोटा सा गैरेज में ही एक पार्ट्स के शॉप भी है, जिसमें हर प्रकार के पार्ट्स रखे हुए हैं। तो जब भी अगर कोई सामान नहीं मिलता है तब हम बाहर जाएंगे नहीं, तो ये पार्ट्स भी रखे हुए हैं जिससे कि आसानी से सामान लगा सकते हैं यहीं पे, इसलिए पार्ट्स भी रखा हुआ है। देख सकते हैं ये पूरे पार्ट्स हर प्रकार के रखे हुए हैं, जो पार्ट्स इस गैरेज में लगता है वो यहीं से लगा देते हैं, और नहीं तो फिर बाहर की दुकानों से ला करके लगाया जाता है, इसलिए ये पार्ट्स रखे हुए हैं। मतलब हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है एक गैराज में ताकि जब भी कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट्स की, कोई भी सामान की ज़रूरत पड़े तो यहीं पर उपलब्ध हो जाए। मतलब नए भी रखे जाते हैं, पुराने भी रखे जाते हैं। इधर देखो तो कुछ टायर्स रखे हुए हैं पुराने पुराने जो कभी काम आ सकते हैं, इसलिए इनको रख लिया गया है। कुछ तो बाहर फेंक दिया जाता है या किसी और टायर जो पुराने टायर खरीदते हैं एक्सचेंज करते हैं उनको दे दिया जाता है। तो आप देख रहे हो कि मतलब गैरेज में हर सुविधा होती है जिससे कि गाड़ी को आसानी से बनाया जा सके, जल्द से जल्द बनाया जा सके। हर सामान तो एक गैराज में नहीं मिल सकता, ना एक स्टोर में मिल सकता है, इसलिए बाहर के स्टोरों से जा करके सामान लाया जाता है, फिर ला करके उसको लगाया जाता है ताकि जल्दी से अच्छे से गाड़ी जो है बन सके। जो भी आदमी आता है गाड़ी बनवाने, उसी गाड़ी को मतलब पूरा काम करके दिया जाता है ताकि गाड़ी जो है अच्छे से बन सके। और जो भैया लोग हैं अभी इधर बना रहे हैं गाड़ी, अभी इसका काम चल रहा था, इसको अभी कुछ पार्ट्स की कमी थी या फिर कुछ कराना था, इसके बुश लगाना था जो यहाँ नहीं मिल रहा था इस जो स्टोर है इसमें, तो दूसरे बाहर के स्टोर में गए हैं लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सामान रखे हैं, लेकिन एक जगह पर स्टोर करके नहीं रखा जा सकता हर सामान को, इसलिए बाहर के स्टोर से भी मंगाया जाता है ताकि जो गाड़ी है वो अच्छे से बन सके। तो हम तो गाइस हमने दिखाया कि आपको एक गैराज में क्या क्या व्यवस्था होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से मतलब ये डीजल वाली गाड़ियों का काम किया जाता है यहाँ, मतलब डीजल वाली गाड़ियों का काम किया जाता है। तो डीजल वाली सामग्रियाँ हैं, और जो पेट्रोल गाड़ी का काम होता है वहाँ पेट्रोल वाली गाड़ी का सामग्री होती है, वैसे टूल बॉक्स होते हैं वैसे भी काम किए जाते हैं, वैसे मिस्त्री होते हैं जो मैकेनिक होते हैं वो वही काम करते हैं, जो उसमें जिनका एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई हम पेट्रोल गाड़ी का काम करेंगे, डीजल गाड़ी का काम करेंगे, वैसे ही यहाँ पर डीजल गाड़ी का काम किया जाता है। तो डीजल गाड़ी के हिसाब से पार्ट्स होते हैं और टूल बॉक्स होता है, उस हिसाब से मैकेनिक काम करते हैं। आई होप यू गाइस विल एंजॉय इन दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो बनाएं तो उनको आप देखकर अपना जो भी जानकारी हो बढ़ा सकें, जान सकें कि क्या क्या होता है। और आपके जो भी प्रश्न हो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना ताकि हम उन पॉइंट्स को, उन बातों को अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर सकें। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय।